जा गोड़ दरिया बजा ऐसे भगवान के लिए बैठ हुआ वीडियो बने सब नदी के बाहर का जंगल पूरा काट के खत्म करो, एक भी जंगल दिखना नहीं चाहिए। जैसे इस पार है वैसे उस पार भी बना दो। तो बोले महाराज बस ठीक है, आपकी आज्ञा है। आगे से सारे एकदम उधर के जंगल काट दिए, जितना सुंदर प्रदेश इस तरफ था उससे दुगना सुंदर प्रदेश उस तरफ बना दिए। जैसे आपका पुराना घर है उसकी हालत देखते तो कुछ और था, लेकिन अब जो नया बना है वो बहुत सुंदर बन गया है। तो अब पंपोज भैया से पूछो कि क्या उस पुराने घर में रहना स्वीकार करेंगे ये? उस पुराने घर में रहना थोड़ी स्वीकार करेंगे। अब तो इन्हें जो नया वाला घर मिला है बढ़िया, उसमें अच्छी वायरिंग लाइट की पूरी व्यवस्था, पूरा बढ़िया प्लास्टर पेंट वेंट सारे, खिड़की दरवाजे एकदम बढ़िया चौचक। अब इनसे एक बार पूछ के देखो कि उस घर में जाना पसंद करेंगे, कोई ऐसा दोबारा उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए एक घर की, तो जाना पसंद करेंगे? महाराज वैसा ही राज्य उस तरफ भी बना दिया जैसे इस तरफ था, उससे सुंदर राज्य बना दिया। 5 साल का समय बीता, अब बोले ठीक है आप जहाँ भेजना चाहते हो मैं भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोले महाराज अब तो चाहे 5 साल राज्य करो और चाहे 50 साल करो, कोई बात नहीं। अब हम आपको वन में भेज के क्या करेंगे? जिस चीज के लिए भेजते थे वो वन ही खत्म हो गया, तो वो भेज के क्या करेंगे आपको? बस अमरी हमारे मनुष्य का कर्तव्य यही है। मोली भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री मन नारायण नारायण भागवत हाउस गाना ना बाजे, पटक देते हैं। ठीक है घड़ी, वो ठीक है जलन तो है। जैसे आपका 50 कमरे का घर हो, एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में ले जाके पटक दिया, दूसरा कमरा छोड़े तो तीसरे में ले जाके पटक दिया, लेकिन घर तो वही पुराने हैं, व्यवस्था तो सब में वही है, लेकिन जो बदल में आपने इसी वाला कमरा बनवाया,
कादीपुरा अगर आप पंकज भैया बुलावा जरूरत तो नहीं है ना। तो महाराज आप भगवान से संबंध स्थापित करके मेरे नारायण से संबंध स्थापित करके आप ये ओसी वाला कमर अपने लिए बनवा लो कि आपको फिर उस खटारे में जाने की आवश्यकता ना पड़े। बस इस कहने का उद्देश्य यही है कि आप इतना सुंदर कमरा आपके लिए बनवा लो कि आपको फिर आने की आवश्यकता ना हो। बस यही हमारे मनुष्य का कर्तव्य है। और मनाए ना आए भागवत सुनो घर ये भाई बोले महाराज जी चलो ये तो ठीक है लेकिन वो नया घर बनाए कैसे हमारे पास तो कुछ है ये नहीं है। हाँ पूरा भरिए नीचे कुल भरिए कुल कुर्सी उर्सी कोई मिस्त्री तो होना चाहिए वो घर बनाने वाला कैसे बनवाए वो घर बैठे जगह न मिले पोकत मिलवे कर यार तू अतिथि है अतिथि देवो भव। भगवान ने उत्तर दिया अब गनो बाजे तो नाचे मान भारत सर्वात्मा भगवान कैसा लग रहा था भगवान बढ़िया लग रहा है सुंदर प्यारा एकदम बढ़िया लग रहा आपको वो नया घर बनवाने के लिए मिस्त्री ढूंढने की आवश्यकता मतलब जूतों पहन के चला जाए नहीं यार क्यों नहीं जैसे आप अभी कोई स्कूल से कोई थ्योरी याद करके आओ और घर आते के बाद उसका मनन नहीं किया आपने तो भूल गए। भागवत वो होता है 7 दिन क्या है इसीलिए आपकी व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं कि घर जाके उसका रिवीजन करो अच्छे से। अच्छा 3 दिन हो इसीलिए तो बनाया है कि रिवीजन की व्यवस्था दी है कि यहाँ से जो पढ़ के जाओ उसका रिवीजन घर पे करो तब बहुत सुंदर तरीके से। बोली भागवत भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। भैया थोड़ा भंडर हो पहन ले इनका भैरव उतारे हैं हमारे जूतों के उठा लीजिए। नमस्ते दादी आचार्य जी आपसे अनुरोध है कि अगर आप ही यहाँ की इस मंच के जो कृपया उसको बनाए रखिए इस मंच की गरिमा अभी जो हाल ही में घटना इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो आप आपकी जो इंद्रियां हैं जो पल पल में मचलने लग जाती हैं घर से निकले रास्ते में पहुंचे अरे महाराज जलेबी अच्छी है जलेबी खानी है अरे महाराज पान की दुकान है पान खाना है समोसे की दुकान है समोसा खाना है आंख से कुछ अच्छी चीज नहीं दिख रही और कहीं गलत थोड़ा नजर अगर कहीं गलत चली गई ना तो वो तुरंत दिख जाएगी। गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ ना गलत कहेंगे ना गलत सुनेंगे ना गलत बोलेंगे। इंद्रियों पर आप जब विजय प्राप्त करोगे तब आपका ये जो सांसारिक प्रपंच है पहले ये खत्म होगा तब आप नारायण के पास पहुंचने का साधन बनेगा आपका। महाराज 2 प्रकार के साधन है एक स्थूल साधन है और एक सूक्ष्म साधन है। स्थूल साधन क्या है संपूर्ण ब्रह्मांड में ही परमात्मा को देखो जब तक आप एक एक चीज में परमात्मा को नहीं करोगे जगत में जगत नारायण का दर्शन नहीं करोगे तब तक आप भगवान के चरणों में प्रीति नहीं लगेगी आपको। हालांकि हमारे सनातन में तो पहले से होता आया है ये सारी चीजें बहुत से मूर्ख करते हैं कि नीम के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं पेड़ की पूजा करने से क्या मिलता है।
अरे महाराज हम कृतज्ञ कृतज्ञ नहीं है कृतज्ञ हैं। हमें जिसने भी जो की पूजा करते हैं हमारे सनातन की सुंदरता है कि अगर जिसने हमारे बाल्यकाल में भी मुझको 50 रुपए दिए होंगे मेरे गरीबी में मेरा साथ दिया होगा ना तो बुढ़ापे तक याद रहता है कि हाँ महाराज 50 रुपए देकर उस समय मेरी मदद की थी इसने। तो महाराज कृतज्ञता होनी चाहिए। आप संपूर्ण ये जो प्रकृति है ना पहले प्रकृति में दर्शन करो नारायण का तब आप भगवान की तरफ पहुंचने का कदम बढ़ाओगे क्योंकि ये जो हरियाली है ना छोटी छोटी घास ये भगवान की रोमावली है। जैसे हमारे शरीर की रोमावली रोमा जिसे कहते हैं रोमावली है ये घास भगवान के शरीर की रोमावली है। इन घासों में भगवान के शरीर की रोमावली का दर्शन करवा और ये जो पेड़ पे बड़ी बड़ी लताएं लग रही हैं नीचे लटक रही हैं डालियों में इनमें आप प्रभु के अलकावली का दर्शन करो। अलकावली क्या है केश बाल इसमें आप प्रभु की अलकावली का दर्शन करो। और ये जो पहाड़ हैं महाराज बड़े बड़े जो बड़े बड़े पहाड़ हैं कि भगवत कथा हुई ना यहाँ पर देवताओं को दुर्लभ कथा भी इस प्रांगण में हुई ना आपके गांव में हुई बस श्रोतम इच्छत भी श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं हमारे आपके बस की बात है क्या। महाराज अगर इतना सुंदर मंडप लगाओगे ना तो टेंट वाला आप उन्हें देखने का प्रयास तो करो महाराज। इस प्रकृति में नारायण ने सारी व्यवस्था कर दी है आपको जो चाहिए रहने के लिए जीवित रहने के लिए जो चाहिए सारी व्यवस्था कर दी है अन्यथा जिसको जरा भी